नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आज रविवार है तो हम लोग जा रहे हैं। मेरा भैया आया हुआ है तो हम लोग जा रहे हैं बाहर आउटिंग पे, किसी रिसोर्ट में जा रहे हैं हम लोग आज का संडे का दिन स्पेंड करने। तो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ मैं, तो मैं ये लाइट कलर लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ। रेड वाला लिप लाइनर यूज़ करेंगे जिससे थोड़ा सा शेड आ जाए। ऐसे न तो आपके लिप्स रेड दिखेंगे ना आपके लिप्स पिंक दिखेंगे, लाइट पिंक। देखिए बिल्कुल नेचुरल ऐसा लग ही नहीं रहा लिपस्टिक लगाई है। मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ तो मेरा आईब्रो वगैरह इतना ज़्यादा सेट रहता नहीं, तो अगर आपको लगता है कि आपका आईब्रो अच्छे से सेट नहीं है तो फटाफट से हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा आउटलाइन बना के और जो भी कोई आपके पास ऐसा डार्क शेड है उसको आप अच्छे से उसको फिल कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा सा लुक मिल जाता है। ये देखिए मैंने हल्का सा आईब्रो सेट किया है तो देखो आप इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए लुक, ये देखो दोनों आईब्रो हो चुके हैं मेरे। बताओ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे आपको ऐसा करके, अब आपके आईज ब्यूटीफुल दिख रहे हैं मम्मी। यहाँ पे आपको हल्का सा इसको करना है और ये जो आपके डार्क सर्कल्स हैं, मम्मा ऐसे लग रहे हो कि आपने सोए नहीं। हाँ जी, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देना है, ये पूरा जो डार्क होता है ना। अब अगर आप आईब्रो भी सॉरी आई शेडो भी अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये हो गया मेरा लाइट सा मेकअप। यहाँ पे इस रूम में मैं छुप के तैयार हो रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा अगर उसको पता चल गया कि मम्मा इस रूम में, तो आके मेरा सारा कबाड़ा कर देगा। यहाँ इस कमरे में मैं कॉर्नर में बैठ के छुपके से तैयार हो रही हूँ। मैं अपना ड्रेसिंग टेबल पे सामान नहीं रख सकती, मैं तैयार नहीं हो सकती जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो सकते। मुझे अपना सारा मेकअप का सामान इसमें यहाँ पे लॉक करके रखना पड़ता है, वरना ये लोग मेरे मेकअप से लिपस्टिक से सबसे ये ड्राइंग बना देते हैं। तो ये मेरे साथ हो चुका है तो अब फिर बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, उनको समझ नहीं आती, तो सिर्फ ये ड्रेस पहनना है तो हम लोग निकलते हैं। पहले हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद हम लोग रिसोर्ट जाएंगे क्योंकि रिसोर्ट में आई थिंक नाश्ते का टाइम खत्म हो गया, तो हम लोग कहीं हम लेट हो गए, तो हम बाहर ही कहीं नाश्ता करेंगे उसके बाद रिसोर्ट जाएंगे सीधे। रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं और हम लोग कंफ्यूज हैं कि पहले खाना खाएंगे या स्विमिंग करेंगे। और ये क्या करेगा, पहले खाना खाएगा स्विमिंग करेगा क्या करेगा, हैं ये बोल ही नहीं रहा है। तो 3 बजे तक खाना है तो हम लोग खा के आए हैं, अभी जस्ट ज़्यादा भूख नहीं है तो हम लोग अभी सिर्फ घूम रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले खाना खाएंगे या स्विमिंग करेंगे, देखते हैं। फिलहाल तो ऐसे ही वॉकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्ट बड़ा है काफ़ी, पर अभी
पतझड़ का मौसम है, सारा ड्राई ड्राई है, अदरवाइज बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है घूमने की बहुत। के लिए तैयार है, हम लोगों ने चेंज कर लिया है, अब हम लोग स्विमिंग के लिए जाएंगे। डर गया है, पानी को देख के रोने लग गया है, वो चक्षू पानी में कूद रहा है, तो इसको लगा कि भैया को कुछ हो गया है, तो ये डर के मारे रोने लग गया। वो लोग पहले स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे, तब तक मैं इसको इधर देख के आई हूँ साइड में रखने के लिए। पानी में बहुत मजा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे यही बैठना पड़ेगा इसको लेके। मैं उनका वीडियो भी नहीं बना सकती क्योंकि वहां जाऊं तो देख देख के रो रहा है, उनको पानी में भी नहीं उतरने दे रहा, तो यही बैठना पड़ेगा। एक्साइटेड थी एक्चुअली स्विमिंग के लिए, कहते हैं ना अपन किसी चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते ना, वो चीज कभी नहीं मिलती है। मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं बहुत मतलब खुश थी कि स्विमिंग करने को मिलेगा, पर आज नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, फिर कभी और आएंगे, आते रहेंगे सैटरडे संडे। तो अब मैं, वो लोग तीनों मजे कर रहे हैं, तो मैं उनके कोई फोटो वीडियो ज्यादा बना नहीं सकती क्योंकि दूर आके बैठी इन भाई साहब के लिए। मेरा तो कोई स्विमिंग हुआ नहीं और इन लोगों ने स्विमिंग करके खूब मजे ले लिए। चक्षु हो गया तेरा स्विमिंग? हाँ। कैसा लगा? एक्साइटेड। एक्सीलेंट। वाह भाई। मैं तो आज मेरी किस्मत ही खराब है। सीरियसली यार, ये लोग इतने मजे कर रहे थे स्विमिंग करके और मैं जो वापस इनके ये कपड़े वगैरह हम लोग गाड़ी में रख देते हैं और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सीधे ना लंच करने, क्योंकि 2:30 बज गई और 3 लंच फिनिश हो जाता है। सब्जी लाई हूँ मेरे लिए, मैं वहाँ पे होगा खाना ले रहे हैं। और देखो मामा बानेज की जोड़ी जोरदार है। और खाना खाने के बाद अगर छाछ नहीं मिलती है तो खाना इनकम्प्लीट रहता है। अब तो गर्मी आ गई है तो खाना खाने के बाद एक ग्लास ठंडा ठंडा ग्लास छाछ तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। अब थोड़ी देर यहीं घूमेंगे, रबड़ेंगे, फिरेंगे शाम तक, जब तक अंधेरा होगा तब तो यहीं रबड़ेंगे, खाना खा लिया अब शाम तक भी रबड़ा रबड़ी करते हैं यहीं पे।
कैमरा ले जाओ, कैमरा ले जाओ। लोगों ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा तो क्या खाया, जितना भाया उतना। और उसके बाद हम लोगों ने गेम्स हाँ 5 बजे चाय। यूं अभी कितनी बजी, अब कितनी बजी, 4:15। तो आधे घंटे बाद चाय स्नैक्स खाएंगे। मेरे को थोड़ा सा हेडेक जैसा हो रहा है और अभी हम सो रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट। सो तो क्या रहे, बस ऐसे ही। यहाँ पे शायद नाइट फायरिंग हो, नाइट फायर कैंप का प्रोग्राम रहता है शायद यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खेल लिए, खूब सारे फ़ोटोशूट हो गए, खूब सारे वीडियो बना लिए। तो आधा घंटा यहीं पे पड़े रहेंगे, फिर चाय नाश्ता करेंगे। फिर क्या क्या, ये क्या क्या, किसके पकौड़े? अनियन और दोनों अनियन के ही है। कैसे पकौड़े आप कौन से खा रहे हो? मैंने बिस्किट मंगाए थे, लाए ना बच्चों के, वापस आ रहा है। hey, baby. क्या था? इसे गुल्लू पेट में आता है क्या? चलो देख, चक्षु नहीं यार, घर के सफारी सफारी रहते हैं। चक्षु इधर आ। थोड़े से पकोड़े बच गए थे तो हमने पैक करा लिया, गाड़ी में खाएंगे साथ में पकोड़े। शिव आपके लिए अच्छा है ये, गाड़ी चलाते चलाते। आज का ब्लॉग यहीं फिनिश होता है, हम लोग घर जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी संडे। हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं बस। क्या है शानदार? कौन सा फ्लावर लेना है आपको? ये रेड वाला अपने पास है ना यार। ये लोग नर्सरी जा रहे हैं, यहाँ पे नर्सरी दिख गई इनको रास्ते में, तो इन्होंने गाड़ी घुमा ली। तो बोगनवेलिया का दिख गया प्लांट्स। तो हमारा जो फार्म हाउस है उसके गेट पे मेरे हस्बैंड को रेड और पिंक मिक्स का लगाना है, उनको अच्छा लगता है रेड और पिंक का जो कॉम्बिनेशन है। वाला इनको मेकअप से ढूंढ रहे थे, रेड मिल गया, येलो मिल गया, बट रेड और पिंक, लाइट पिंक वाला चाहिए था। तो नहीं, रेड पिंक नहीं, सॉरी, वाइट और पिंक, वाइट और पिंक वो चाहिए था। तो वो लेने जा रहे हैं, तो हम लोग गाड़ी अंदर लेके जा रहे हैं। वो लोग आगे गए अंदर, तो हम लोग प्लांट्स देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से लेने हैं। पिंक लेना है, तो पिंक का है, तो वो वैसा कलर है, लाइट पिंक तो नहीं। यहाँ पे वो उधर देखो, उधर कॉर्नर में वो थोड़ा लाइट पिंक है, वो सामने है वो, ये यहाँ पे लाइट पिंक है। दो कैसे हो सकता है, होता है हाइब्रिड। ये वाला सही नहीं है क्या? पिंक हाइब्रिड, ये पिंक वाइट है ना, इतने सारे पिंक है, इसमें से कोई एक ले लो, वो अच्छा है ना, वो पिंक वो वाला। हाँ नहीं, क्यों? इतने सारा पिंक में एक भी अच्छा नहीं लग रहा। जो
नर्सरी थी वहाँ से तो इन लोगों ने प्लांट्स लिया नहीं, क्योंकि एक बोगनविलिया का वो 1000 रुपीज़ ले रहा था, 1000 रुपये, पता नहीं इतना पैसा मांग रहा था। तो हम मेरे हस्बैंड ने लिया नहीं, और मेरे हस्बैंड को इतना पसंद भी नहीं आया वो प्लांट्स, उनको वाइट और पिंक चाहिए था, तो वो पिंक उनको ब्राइट पिंक मिला नहीं। यहाँ पे ये लोग रोड पे चोरी करके प्लांट्स का तोड़ रहे हैं, और देखो दोनों जने, ये देखो दोनों जने छुप छुप के ये लोग प्लांट्स का वो तोड़ के वहाँ पे लगाएंगे खेत पे। ये कह रहे कि 1000 रुपये किस बात का देना है फालतू का, ये दोनों यहाँ पे चोरी कर रहे हैं प्लांट्स चोरी। मेरे हस्बैंड को ये बोगनविलिया बहुत अच्छा लगता है, तो वाइट तो ऑलरेडी हमारे पास है फार्म हाउस के मेन गेट पे लगा हुआ है, तो पिंक उसके साथ मिक्स कर देंगे तो वाइट पिंक अच्छा शेड आ जाएगा। ये यहाँ से लेके जा रहे हैं।